गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम आपको आरआरबी का जो पेपर होने वाला है दिसंबर में होगा, दिसंबर 2021 मतलब आने वाले दो तीन महीनों में पेपर होगा, तो ये जो आरआरबी का पेपर होने वाला है उसका पूरा सिलेबस और उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या प्रक्रिया है उसमें और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप फॉर्म डाले हो ग्रुप डी का तो एक बार ये वीडियो पूरा देखिए, आपके काम का है और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको जानना है, क्योंकि बिना सिलेबस के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सिलेबस को जानकर उसके हिसाब से तैयारी करें, बेहतर रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो आप जनरली देखते होंगे कहीं कहीं आरआरबी लिखा रहता है, कहीं कहीं आरआरसी लिखा रहता है, अंतर क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। जो आरआरबी होता है शहरों के नाम पर रखा जाता है, जो आरआरसी होता है वो जोन के हिसाब से होता है, और एक जोन में कई ज़िले होते हैं, कई शहर होते हैं, ये आप जानते हो। और इन दोनों का काम, मतलब आरआरबी का काम और आरआरसी का काम, दोनों का काम ही रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल की भर्तियां करवाना होता है। तो जानते रहेगा आरआरबी और आरआरसी में थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि कहीं कहीं लिखा रहता है आरआरबी और कहीं कहीं लिखा रहता है आरआरसी, तो जानना ज़रूरी है। चलिए हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि ये जो ग्रुप डी का पेपर होगा इसमें पहला पेपर जो होगा, मतलब कि जब आपको शुरू में बुलाया जाएगा तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। जब आप कंप्यूटर आधारित टेस्ट पास करेंगे तब आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपके शारीरिक दक्षता चेक की जाएगी। उसमें क्या करवाएंगे आगे हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जब अगर आप इसको भी पास करके, मतलब कंप्यूटर आधारित टेस्ट पास करने के बाद अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आए तब आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। इसको भी अगर पास कर गए तब आपको दस्तावेज सत्यापन, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट बना के आपकी ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता में क्या है आगे हम आपको बता रहे हैं। पहले हम देख लें कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सबसे पहली बात तो आप ये जानते रहेगा, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 हो गए। इसके अलावा रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस मतलब साधारण जानकारी और करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएंगे। देखा जाए 30-20 ये 50, बाकी 25-25 वो 50, कुल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको, टोटल आपको 100 क्वेश्चन ही करने हैं और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। एक छोटी सी बात कि ये जो ग्रुप डी का पेपर होगा इसमें जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे और सबका लेवल हाई स्कूल का लेवल होगा, मतलब बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत डीपली नहीं सोचना है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हाई स्कूल का लेवल का सब्जेक्ट उठाइएगा, उसका मैथ, उसका जीएस, उसका साइंस, जो लेवल होगा उसी लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि रेलवे ग्रुप डी का, ग्रुप डी के नाम से मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होंगे, आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट लाइए और उनको घड़ी का टाइम सेट करिए और टाइम के हिसाब से सॉल्व करिए। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, कुल 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट का मतलब समझते हैं डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटे में आपको 100 प्रश्न करना है, और सोचिएगा कि आप उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करिएगा जो नंबर उठा सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग का पार्ट। एक मिनट, यहाँ पर देखें आप, ध्यान से समझिएगा पेपर में हल कैसे करना है। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस साधारण जानकारी और करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सी बात है, रीजनिंग इसमें ऐसा टॉपिक है जो अच्छा नंबर उठा सकता है। एक छोटी सी पतली सी किताब पढ़कर आप 30 क्वेश्चन सही करके 30 नंबर यहाँ फिक्स कर सकते हो। रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता, रीजनिंग नंबर उठाने वाला स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, यहाँ सभी स्कोर करते हैं। अगर आप यहाँ स्कोर नहीं कर पाए तो आप पीछे रह जाओगे। दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ बोला जाता है। मैथ अगर आपको हाई स्कूल के लेवल की मैथ आ रहा है तब पर भी आप 22 से 23 क्वेश्चन सही कर जाओगे। सिंपल सी बात है, अगर 30 रीजनिंग में 25 सही कर गए और 22 से 23 मैथ सही कर गए तो इस हिसाब से आप 50 के आसपास पहुंच जाओगे दो ही सब्जेक्ट से। बाकी बचा जनरल साइंस। जनरल साइंस भी हाई स्कूल का लेवल का फिजिक्स और बायोलॉजी पर फोकस करिए, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं उससे कम क्वेश्चन आते हैं, खासकर फिजिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी आप नंबर स्कोर कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर से, करंट अफेयर तो आपको जनरली पढ़ना होगा, इस चैनल पर भी आपको करंट अफेयर रोज़ 10-10 कराए जाते हैं, यहाँ से भी करते रहिएगा। और इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
और इतिहास, भूगोल, संविधान, इन सब का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर, बहुत सारे वीडियोस बनाकर क्वेश्चन डाले गए हैं, एक बार देख लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चनों का आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपको 1.5 घंटे में इन सबको हल करना है। आपको क्या करना है इस लेवल पे, मतलब कि 1.5 घंटे के अंदर, मतलब कि ये पेपर में आपको 90 मिनट मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करो कि आप 75 मिनट में इन 100 क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करो। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट लाओ और हाथ में घड़ी लगा कर बैठो और ये दिमाग में टारगेट करो कि 75 मिनट में मैं हल करूँगा 100 क्वेश्चन। जब ऐसा आप बार बार करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी और पेपर में आपके पास पर्याप्त टाइम होगा, दिमाग स्थिर करके आराम से सोच सोच के हल कर लेंगे, क्योंकि पेपर में हम स्पीड नहीं बना पाते तो जल्दी जल्दी सोचने लगते हैं और सरल क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सरल क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, इसलिए मार्केट से प्रैक्टिस सेट अभी से लाएं और इस पर मेहनत करना शुरू कर दें। काम चोरी करेंगे तो भुगतना आपको ही पड़ेगा, इसलिए काम चोरी ना करें, प्रैक्टिस सेट जरूर लाएँ। एक बात तो बताना भूल ही गए, 1/3 नकारात्मक अंकन भी होगा, मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अभी तक के लिए यही बताया गया है, आगे हटा दें तो अलग मैटर है, लेकिन अभी तक जितना पता है उसके हिसाब से 1/3 नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सोच समझ के ही क्वेश्चन हल करें। चलिए हम आपको बता देते हैं मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैथ में जो क्वेश्चन आएंगे, पहली बात तो संख्या पद्धत, आप पिछला जो हमने बताया था आपको एसआई का जो पूरा सिलेबस बताया था उसमें भी देखा संख्या पद्धत, और जो इसके पिछले पहले वीडियो पढ़ा था एसएससी जीडी का, जीडी में भी हमने आपको बताया था संख्या पद्धत, मतलब संख्या पद्धत इंपॉर्टेंट है, बोडोमॉस सरलीकरण का है, दशमलव उसी में आ जाएगा, भिन्न ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब के सब आपको एसडी यादव की बुक में शुरू से ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लसमसा मतलब एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, प्रतिशत तो आप पढ़े होंगे, प्रतिशत तो हर जगह पूछा जाता है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आपको क्षेत्रफल बताना होगा, वर्ग का, आयत का, वृत्त का, समय और काम समय से क्वेश्चन आएगा, और उसके अलावा चाल समय दूरी से क्वेश्चन आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएगा, लाभ और हानि से, प्रतिशत के जस्ट बाद लाभ हानि आपको मिल जाएगा, बीजगणित से क्वेश्चन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पर जो क्वेश्चन होते हैं इस आधार पर उससे क्वेश्चन आएगा, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ज्यामिति मतलब आपको त्रिभुज, समलंब और समांतर चतुर्भुज आदि जगहों से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और त्रिकोणमिति तो आप जानते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आय की गणना ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग में भी है और मैथ में भी है, कैलेंडर और घड़ी रीजनिंग में आपको मिल जाएंगे, यहाँ मैथ में दिया है, सिंपल सी बात है, कहीं भी दिया हो पढ़ना तो आपको है ही। पाइप टंकी से भी क्वेश्चन रहेंगे, काम समय के जैसा ही एक चैप्टर है पाइप टंकी का, सरल क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप हाई स्कूल का लेवल का है, इसका मतलब आपको हल्का हल्का जानकारी सबका होना चाहिए, काम हो जाएगा यहाँ से। अगर बात करें रीजनिंग की तो एनालॉगीज, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ये जितना दिया है इंग्लिश में, मैं आपको दिखाता हूँ, जितना भी ये इंग्लिश में दिया है आपके पास, अगर आर के झा की या फिर कोई भी रीजनिंग की पतली वाली बुक होगी, ये सारे के सारे चैप्टर आपको उसमें मिल जाएंगे, और यहाँ से एक बार भी आप पढ़ लोगे तो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 30 नंबर देगा आपको। तो ध्यान से ये सारे चैप्टर उसमें मिलाकर, वेन डायग्राम भी दिया गया है, सारे चैप्टर मिलाकर उसमें आप हल कर लीजिएगा और रीजनिंग से अच्छा नंबर उठ जाता है। एक चीज़ बताना रह गया आपको, बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि उनका कथन निष्कर्ष, पूर्व अवधारणा और निस्तर्क, जो तर्क लगाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। अगर आपके भी गलत हो रहे हों तो बताइएगा, इसके लिए हम कुछ वीडियो बना देंगे और एक दो बार अगर आप देख लोगे तो कथन निष्कर्ष पूर्व अवधारणा से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए पहले अगला सिलेबस देख लेते हैं। आपसे फिजिक्स मतलब साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकाई और माप, बल गति के नियम मतलब न्यूटन का गति का नियम और बल, कार्य शक्ति ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ये समस्त चीज़ें आपको हाई स्कूल के साइंस की बुक में मिल जाएगी। वैसे भी अगर आप कोई तैयारी की बुक लिए होंगे जनरल साइंस का तो वहाँ से भी ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। एक बार हल्के में पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको दाब, ध्वनि, तरंग, ऊष्मा, घर्षण, इसके अलावा प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, विद्युत, चुंबकत्व, तो
इसके अलावा विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरण, मतलब कि कौन कौन से उपकरणों की खोज किस वैज्ञानिकों ने आविष्कार, आप लूसेंट में देखोगे तो ये आविष्कार मिल जाएंगे आपको लास्ट में, फिजिक्स में जहाँ फिजिक्स खत्म हो रहा होगा वहाँ ये सारी चीज़ें, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक बड़े आराम से मिल जाएगा। भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोजें वहीं पर ये भी मिल जाएगा, एक बार रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मिल जाएगा आपको। रसायन विज्ञान से बहुत क्वेश्चन नहीं आते, कोई भी पेपर हो रसायन विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठता, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, परमाणु और अणु परमाणुओं की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक संबंध, ऑक्सीकरण अवकरण, दहन, अम्ल क्षार लवण, ये इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार लवण जरूर पढ़िएगा। विद्युत अपघटन, कार्बन उसके यौगिक, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, ईंधन ये भी पढ़ना पड़ेगा, धातु कर्म, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, धातु और अधातु ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और रसायन विज्ञानों में जो खोज हुए हैं, रसायन विज्ञान और सामान्य तथ्य और उनके खोज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हालांकि आप सभी टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन जिस पे मैंने टिक किया वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। आइए जीव विज्ञान का टॉपिक देख लेते हैं, और जिस पे टिक करेंगे उसको आपको जरूर देखना है। जीव विज्ञान में परिचय, जीव विज्ञान का परिचय सिंपल सा, जीवों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, कोशिका आपको पढ़ना है, अनुवांशिकी आपको पढ़ना है। इसके अलावा अनुवांशिक विकास से कोई विशेष नहीं है, वनस्पति विज्ञान, पादप साम्राज्य, वर्गीकरण, पादप आकृतियां विज्ञान, इसको थोड़ा सा देखना है, लेकिन ये पादप रोग से क्वेश्चन आते हैं, परिस्थितिकी और पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, प्रदूषण से क्वेश्चन आ सकते हैं, पर्यावरण संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मानव रक्त ऊतक, अंग प्रणाली, पशुओं के ऊतक, मानव रक्त, रक्त समूह, मानव आँख, पोषक तत्व, रक्त समूह जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मानव रोग, पोषक तत्व, मानव आँख, मानव रोग जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मानव रक्त से क्वेश्चन आएंगे, और मानव रक्त में जैसे जो ब्लड ग्रुप है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आँख के बारे में पढ़िएगा। जनरल जो अवेयरनेस दिया है इसके तहत आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना था, और उसके तहत करंट अफेयर भी आपको इसी में ऐड किया था। तो करंट अफेयर का मतलब समझते हो, सामान्यतः वर्तमान जो चीज़ें चर्चा में है, या फिर आने वाले मतलब बीते हुए 2, 4, 5, 6, 7 महीने में जो चीज़ें चर्चा में थी वहाँ से क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के रूप में। प्लस जनरल अवेयरनेस में आपको क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर, विज्ञान संबंधी जो नई नई खोजें हुई होंगी, मतलब वर्तमान में करंट में कौन कौन सी मिसाइलें नई नई खोजी गई, किस देश में खोजी गई, भारत ने कौन कौन से परमाणु परीक्षण किए, भारत ने कौन कौन सी मिसाइलें लॉन्च किया, अग्नि का कौन सा परीक्षण किया, ये सब चीज़ें। खेल से संबंधित, खेल में कहां कहां पर भारत ने जीता है, कौन कौन से खेल में कहां पर पदक भारत ने जीता है, ये वाला जैसे टोक्यो ओलंपिक हुआ वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। संस्कृत, कला संस्कृत, राज्यों की कला संस्कृत, जैसे त्यौहार हो गए या फिर वहाँ की लोक कला हो गई, जैसे मधुबनी आप सुने होंगे, बिहू सुने होंगे, ओडम सुने होंगे, ये सब लोक संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तित्व, कोई व्यक्तित्व मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पे रहा है वह व्यक्तित्व, बहुत लोग किसी नए पद पर जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग पुस्तक लिखते हैं, तो वो अगर चर्चा में किसी को कोई पुरस्कार मिला है तो वह व्यक्तित्व करंट अफेयर में पढ़ाना पड़ेगा आपको। और इकॉनमी में कोई फेरबदल हुआ है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत की परीक्षा पास करने के बाद, कट ऑफ लिस्ट में आने के बाद जब आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये चीज़ मैंने सरकारी रिजल्ट से लिया था, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आपको बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए तो वहाँ पर क्या करना होगा। पहली बात तो आपको पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ, पुरुषों में क्या करना होगा, 35 kg का वज़न उठाकर आपको 2 मिनट में, 35 kg का वज़न उठाकर 2 मिनट में आपको चलना होगा, और बिना गिराए उसको चलना होगा, तथा उसके अलावा और कितना चलना होगा, 35 kg का वज़न उठाकर 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना होगा। 2 मिनट में आपको 100 मीटर जाना है 35 kg का वज़न सर पे रखकर, बिना गिराए चलना है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 मीटर की दूरी, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी आपको 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है। ये पुरुषों के लिए है जो शारीरिक दक्षता में आता है। वहीं अगर महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं को 30 kg का वज़न उठाकर 2 मिनट में ही 100 मीटर चलना है। पुरुषों को 35 kg, 2 मिनट, 100 मीटर, 100 मीटर चलना है 2 मिनट में 35 kg का वज़न लेकर। महिलाओं को 30 kg का वज़न लेकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना है, ये शारीरिक दक्षता है। उसके बाद महिलाओं को ही 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में, ये शारीरिक दक्षता है।
मतलब आप पहला टेस्ट पास करेंगे, 100 क्वेश्चन का 90 मिनट का होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट हल करके उसके लेवल को आपको बनना पड़ेगा। फिर जब वो आप वहाँ पर कट ऑफ लिस्ट में आएंगे तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, जो अभी बताए ये वाले। ये पास करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर पास हुए उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद पास होने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए। प्रश्नों का ये लेवल है, टोटल 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, और ध्यान दीजिएगा 1/3 माइनस मार्किंग है, और कोशिश करिए कि 80 के नीचे तो बात मत करिएगा, कोशिश करिए कि आप 80 के आसपास या फिर 80 के ऊपर ही रहें, इससे ज़्यादा सही करने की कोशिश करें। और ये तभी संभव है जब आज से ही आप प्रैक्टिस सेट लेके सॉल्व करके जो चीज़ें गलत हैं उसको सही करके और इस हिसाब से सही करिए कि अगली बार वो चीज़ मिले तो गलत ना हो। बार बार प्रैक्टिस सेट करने से बहुत जानकारी होगी और आप तैयार हो जाओगे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जड़मत मतलब जिनमें जान नहीं है, सुजान मतलब उनमें जान आ जाती है, मतलब बार बार अभ्यास करने से। इसलिए प्रैक्टिस सेट होना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस सेट लेकर बराबर हल करते रहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल आपका ही है तो आप इसके ग्रो में, इसको आगे बढ़ने में थोड़ा सपोर्ट भी करें। और अगर कोई बच्चा आपके नॉलेज में है जिन्होंने जो ये फॉर्म डाला हुआ है तो उसके पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।